भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका अगर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप द्वारका में कैसे आएँ, कहाँ पे रुकें, मंदिर कितने बजे खुलता है और कुल कितना खर्च आएगा और भी डिटेल्स जो आपकी द्वारका ट्रिप के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद डेवलपर में और आज हम आए हैं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश। अगर आप हवाई यात्रा करके द्वारका आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर और पोरबंदर और आपको यहां से डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी द्वारका के लिए, तो इस तरह आप हवाई यात्रा करके द्वारका आ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन की। वैसे तो इंडिया के हर कोने से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, बट अगर आपके सिटी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद या राजकोट तक आ सकते हैं और आपको यहां से ही कई प्राइवेट और सरकारी बसेस मिल जाएंगी जो आपको द्वारका तक डायरेक्ट ले जाएंगी। हम लोग ने समय ट्रेवल्स की स्लीपर बस की थी जिसका चार्जेस लगभग 1000 पड़ा था वडोदरा से, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इंक्लूडेड था हमारे गुजरात ट्रिप में। वैसे तो द्वारका में आपको कई सारे धर्मशाला, होटल, रिजॉर्ट मिल जाएंगे रुकने के लिए जो आपके बजट में होंगे और आप इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने विष्णु होटल बुक किया था जो कि मंदिर से ठीक 200 से 300 मीटर की दूरी पे है और यहाँ का चार्जेस लगभग 3500 पड़ा था एक दिन का। और रूम की बात करें तो रूम में दो डबल बेड थे और अटैच्ड दो बाथरूम, तो ओवरऑल रेट के अकॉर्डिंग रूम काफ़ी अच्छा था और अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो ये रूम आपके लिए बेस्ट है द्वारका में। और अगर आप इससे भी लो बजट में होटल ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे विष्णु होटल के आसपास में, बस थोड़ा सा जो उनकी सर्विसेज होंगी उसमें थोड़ा डिडक्शन होगा और बाकी रूम मिल जाएंगे आपको इससे कम रेट में। अब बात करते हैं मंदिर की टाइमिंग की। तो मंदिर सुबह 6:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के ठीक पीछे सुदामा सेतु है जो कि गोमती नदी पे बना हुआ है और यहाँ पर ही गोमती नदी का संगम समुद्र से होता है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट का भी मजा ले सकते हैं। हम लोग ने भी जेट स्की से राइड की थी जिसका चार्जेस 100 रुपीज पड़ा था रिवर के लिए और 100 एक्स्ट्रा लेते हैं अगर आप समुद्र में जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप समुद्र में भी राइड करके आए क्योंकि वहाँ पर आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और किशन भाई हमको क्या कहते हैं राइड देने वाले हैं इस रूट की, इनके चार्जेस लगभग 50 रुपीज है, तो आप जब भी क्या कहते हैं बबलू जब भी आप आए तो एक बार आप बबलू से जरूर मिले और ये बहुत अच्छा और शांत ऊंट है। इसके चार्जेस क्या, चार्जेस बताना? इसके चार्जेस लगभग 50 रुपीज है, बट अगर आपको ज्यादा ट्रेवल करना है देन चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं। और ये आपको गोमती नदी के किनारे मिल जाएंगे जहाँ पर समुद्र का संगम है और ये इसके आगे आपको बहुत अच्छे व्यूज मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो बबलू भाई आप किशन भाई आपकी पूरी मदद कर सकते हैं और आप जब भी यहाँ पे आए तो एक बार किशन भाई के यहाँ पे ये कैमल राइड जरूर करें। थैंक यू। खाने की बात करें तो द्वारका में तो यहाँ आपको गुजराती थाली 150 से 200 रुपए में मिल जाएगी जिसमें ज़्यादातर मीठा खाने को होता है, बट हम लोगों ने एक ही दिन गुजराती थाली खाई थी। इसके बाद हम लोग ने नॉर्थ इंडिया रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था और उसके बाद हम लोग ने वहीं पर फिर जितने दिन भी रुके थे वहीं पर खाए थे और खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बट उसको हम अपनी वीडियो में नहीं कवर कर पाए। बट ये आपको रेस्टोरेंट मंदिर के नज़दीक ही मिल जाएगा। ओवरऑल आपका एक दिन का खर्चा द्वारका में लगभग 1500 से 2000 आएगा जिसमें इंक्लूडेड है होटल रूम, खाना, वाटर स्पोर्ट और 1-2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग चार्जेस। और अगर आप धर्मशाला बुक करते हैं तो आपका लगभग 1000 से 1500 रुपये खर्चा आएगा। तो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप भेंट द्वारका कैसे जाएं और जो भी आसपास के घूमने वाले प्लेसेस हैं द्वारका में तो कैसे घूमें, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ट्रैवल विद डेवलपर में और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं अपने चैनल पर।